लाइफ में ना तजुर्बे को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, फिर वो आपका खुद का तजुर्बा हो या किसी और का, यू मस्ट ऑलवेज लर्न। तो ऐसा है ना कि बिग बॉस के घर से रिंकू धवन जो है हाल ही में बाहर हुई हैं, बहुत ही सीनियर एक्टर हैं और टीवी इंडस्ट्री को और लाइफ को इन्होंने बड़ी ही नज़दीकी से देखा है। ऐसे में इनसे मिलकर इनकी ओपिनियन जानते हैं कि बिग बॉस में ये जो खिलाड़ी हैं हमारे कितने मंझे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की वो बात कर रही है बहुत ज्यादा। अंकिता को क्या जरूरत पड़ गई है कि सुशांत की बात करना? अगेन आई विल से इज वाज दैट अ प्लान ऑफ एक्शन? अभिषेक की एक मेंटल कंडीशन थी, यू नो, आफ्टर उसका और ईशा का ब्रेकअप हुआ, ही वेंट थ्रू ट्रॉमा, ही वेंट थ्रू डिप्रेशन, ही वेंट थ्रू द ट्रीटमेंट फॉर इट। मुनव्वर / अभिषेक, सास बहू और साजिश के सामने ऐसे गेस्ट हैं आज हमारे सामने जिनकी जीत से ज़्यादा हार की जो चर्चा है बहुत काफ़ी चर्चित है। तो वेलकम रिंकू मैम। क्या कहते हैं उसको, हार के जीतने वाले को, कि अगर मेरी हार है और इतना कुछ मैंने जीता है तो फिर मैं बाजीगर ही हूँ। बाकी आप तो हैं ही बाजीगर। अच्छा, थैंक यू सो मच। घर के अंदर रहना मतलब ना सेलफोन कुछ नहीं? मुझे बिल्कुल बॉदर नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन पे रहने वाली पर्सन थी भी नहीं, और थैंकफुली काम इतना था कि उसके बाद टीवी देखने का मन नहीं करता था, तो मुझे उन चीज़ों ने बिल्कुल बॉदर नहीं किया। एंड हाँ, मैं वैसी हूँ जो कॉन्वर्सेशंस करना अच्छा लगता है, तो मैंने ढेर सारी बातें की, पता नहीं दिखी कि नहीं दिखी, पर मैं बोली। लेकिन घर के अंदर दोस्ती कितनी बनाई और दुश्मनी कितनी बनाई? नहीं नहीं नहीं, मैंने दुश्मनियाँ नहीं बोल सकती मैं, पर दोस्तियाँ मुनव्वर, अभिषेक, नील, ऐश्वर्या, जिग्ना जी डेफिनेटली ये मेरे दोस्त बने, और काफ़ी हद तक अभी अनुराग और मैं भी कनेक्ट किए, तो उनको भी मैं एज अ फ्रेंड बोल सकती हूँ बिल्कुल। और डिसलाइकिंग कह सकती हूँ, दुश्मनी तो नहीं, समर्थ और ईशा फॉर द वे दे यू नो उन्होंने बिग बॉस किया अपनी तरफ से, विच वॉज नॉट राइट, विच वॉज अनफेयर, मेरी आइडियोलॉजीज से मैच नहीं करता, तो दैट इज़ अ सिंपल रीज़न। अंकिता और विकी के बारे में बोलूँ तो बहुत न्यूट्रल ग्राउंड पे मैंने उन्हें पहले भी कहा था, और न्यूट्रल ग्राउंड से मैं अभी थोड़ा ऊपर आई हूँ एज इन हमारे गिव एंड टेक में, एंड यस आई विल मीट देम वंस जब भी वो बाहर आए दोनों। और कौन है, अरुण जी, ओके, तहलका भाई से मिलना चाहूँगी, वो क्योंकि वो बंदा बड़ा दिल का बंदा है, यू नो, अरुण जी थोड़े मुझे समझ नहीं आए, यू नो रियली मुझे समझ नहीं आए। और कौन थे, लॉस्ट हूँ, और कौन थे, चलिए हम तो और जाने, और कौन थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के घर के अंदर जोड़ियाँ किसकी बनने वाली हैं और डिवोर्स किसके होने वाले हैं? ऐसे मत बोलो भाई, सबकी जोड़ियाँ रहेंगी बरकरार। नई जोड़ी किसकी बनेंगी? नहीं, बिग बॉस में मेरी तो किसी से नहीं बनी, नहीं नई जोड़ी किसी की नहीं बन रही। आपको क्या लगता है, आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? नहीं बन सकता अगर आगे अभी 11 हफ्ते और थोड़े कुछ बचे हुए हैं, 4-5 हफ्ते अभी और, उसमें जोड़ी बनेगी ऐसा लगता है? तलवारें निकली हुई हैं इस वक्त घर में, कोई जोड़ियां नहीं बनने वाली हैं। डिवोर्स होगा लग रहा है आपको, जो घर के अंदर हालात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डेफिनेटली बिग बॉस का घर बहुत प्रेशर वाला घर होता है क्योंकि आपने अपनी बात रखनी है, एक इंडिविजुअल स्टैंड लेना है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट रखना हर चीज़ पे, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक हस्बैंड वाइफ का, अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अंकिता और विक्की की, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उनकी सोच या उनके व्यू पॉइंट्स मैच करें। इट इज़ ओके टू डिसएग्री, यू नो, इट इज़ अग्रीएबल टू डिसएग्री विथ ईच अदर, बट क्योंकि विक्की बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, जिसे हम / मैन्युपुलेटिव कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब उनकी बात के अंडर ही सारी चीज़ें हों, और क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो भी आप कह लें उसे। एट द सेम टाइम अंकिता भी बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, स्ट्रॉन्ग वॉइस है उसकी, कहीं मुझे लगता है जो वो लैक कर रही है, जो मुझे लगता है, मे बी रॉन्ग, कि थोड़ा उसे रियल रहना चाहिए, वॉट एवर दैट रियल इज। अंकिता को कह रहे थे ना, क्योंकि जिस तरह से हम बिग बॉस देख रहे थे विक्की अंकिता की जो रिलेशन दिखाई दे रही थी, ऑडियंस को यही लग रहा था भैया लगता है कि घर के बाहर सीधा डिवोर्स पेपर साइन करो, तुम अलग में अलग। आप 24 घंटा थी, तो आपको क्या लगा पति पत्नी के बीच में जो झगड़े ऐसे होते रहते हैं? ऐसे होते रहते हैं, कुछ यू नो कोई ऐसी ओ माई गॉड वाली बात नहीं है। बाकी अगर आई एम श्योर, आई होप इट्स नॉट देयर स्ट्रैटेजी टू बी इन द गेम,
यू नो एक मुद्दा ऐसे क्रिएट करना आपस में, काइंड ऑफ अ सेगमेंट क्रिएट करना अपने लिए, काइंड ऑफ आई होप इट्स नॉट दैट, बिकॉज ये मजाक की बात या ये एक शो के लिए इस कदर इतना तक जाना अगर है तो इट्स वेरी क्या बोले, बहुत गंदा है। आपको भी शौक लगा होगा घर के अंदर की बातें? मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग ऑनेस्टली इस वक्त तक ये लगा है, एक तो ये इनके डिवोर्स की बातें अंकिता और विक्की की, और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत की वो बात कर रही हैं बहुत ज़्यादा, विच आई एम, क्योंकि मैं उस हर दौरान में डेफिनेटली मौजूद नहीं रही होंगी, इसीलिए मैं शॉक्ड हूँ कि क्यों कर रही हैं, और अगर ये बातें कर रही है तो फिर ये डिवोर्स की बातें क्यों हो रही है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है, एंड अंकिता को क्या ज़रूरत पड़ गई है कि सुशांत की बात करना। अगेन आई विल से, इज वॉज दैट अ प्लान ऑफ एक्शन कि सुशांत की बातें आए गए करते रहना, या यू नो विक्की और उसके बिहेवियर का, जो मैं एक्चुअली बोलूँगी स्ट्रॉन्ग माइंड्स है और क्लैश की है, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट, क्यों मतलब मैं खामखा किसी की ज़िंदगी में अपना इतना दिमाग नहीं डालना चाहती जो मेरे से रिलेटेड या अफेक्टेड नहीं है, बट हाँ आई डोंट अंडरस्टैंड सुशांत के बारे में इतनी चर्चा करने की क्या ही ज़रूरत पड़ रही है, जबकि यू नो गॉड ब्लेस हिज सोल, उनको भी गए इतने साल हो गए हैं, तो आज आपको बिग बॉस पे आए हो, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, आप खुद इतने बड़े नाम हो, इतने जाने मानी पर्सनैलिटी हो आप, तो फिर सुशांत। तो अब मैं अभिषेक की बात करूँगा, जो हाल फिलहाल में अभिषेक को जो पुदर पी नॉट किया जा रहा है, बहुत गंदा वाला, इट्स नॉट राइट। अभिषेक की एक मेंटल कंडीशन थी, यू नो आफ्टर उसका और ईशा का ब्रेकअप हुआ, he went through trauma, he went through depression, he went through the treatment for it by taking a help of a psychiatrist, usne wo help li hai kyunki ha wo thoda definitely mentally bahut shaken ho gaya tha, bahut stressed ho gaya tha us situation mein, aur aaj isha aur samarth usi situation ka fayda utha ke apni so called game bana rahe hain, kis basis pe sab bolte hain abhishek aggressive hai, hai wo aggressive, kya abhishek ne inko poke kiya hai? अभिषेक भी तो इसके बारे में अनाप शनाप बक सकता था, जो उसकी रियलिटी होगी या जो उन दोनों की रियलिटी होगी। आप अगर सारे एपिसोड्स खोल के देख लो तो ईशा ने हमेशा पोक किया, बट एनी विच इज कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ईशा एंड समर्थ दोनों बहुत गलत, मतलब किसी की मेंटल कंडीशन को जिसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स पे जाना, उनके पेरेंट्स के हिसाब से उन्हें पोक करना, भाई कौन लेगा भाई, और क्यों आपको कोई ऐसे बोले आपके पेरेंट्स के लिए पोक करे, आप सुन लेंगे? मैं सुन लूँगी? कोई नहीं सुनेगा, तो हमारा अग्रेशन निकलेगा ही ना, फिर आप बोलोगे अरे यार ये तो बहुत अग्रेसिव है, तो अभिषेक की अग्रेशन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है हर टाइम लेके, तो क्या अभिषेक ने दो हफ्ते जो एवरी डे अग्रेशन दिखाया है, चाहे मुद्दा था चाहे मुद्दा नहीं था, तो क्या उसके बाद अभिषेक में ऑडियंस ने कोई चेंज नहीं देखा, मेकर्स ने कोई चेंज नहीं देखा? जीरो डाउन कभी नहीं होगा, पर कम डेफिनेटली हुआ। बात करें मुनव्वर की, जो आपके कहते हैं दिल के बहुत खास है और दोस्ती भी हो गई है, बट जिस तरह से आयशा का घर के अंदर एंट्री करना, कहते हैं ना कि पूरी दुनिया हिला दी मुनव्वर की। यस बिल्कुल हिला दी, क्योंकि मैं आज खुले दिल से बोल सकती हूँ इस बात को, जो एक्चुअली वीकेंड के बाद पे सलमान सर ने भी बोली, और जो एक्चुअली आयशा ने भी जब वो अपनी कहानी सुना रही थी अदालत के उस एपिसोड में, तो उन्होंने भी बोला कि ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ये सब चीज़ें होती हैं, बहुतों के साथ होती है, बहुत करते हैं। ये एक लड़कियाँ हैं, उन्होंने कहा भाई हमारा एक रिश्ता था, वो खुद कह रही है नहीं हमारी कोई कमिटमेंट नहीं थी, वो खुद कह रही है कि नहीं भाई मुनव्वर, अगर मैं अपना 100% दे रही थी तो मुनव्वर से 60-40% आ रहा था, तो ऐसा कुछ था नहीं, वी वर गेटिंग टू नो ईच अदर, मतलब एक गो विद द फ्लो जैसा एक चीज़ होता है। हाँ, पर मुनव्वर ने वो क्लैरिटी गलत दी कि भैया मेरा अब पास्ट में कोई कनेक्ट नहीं है, आई एम क्लियर, और मुनव्वर ने उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी ली, उसके लिए अपोलोजेटिक भी है, पर उसके होश उड़ गए थे, उसे नहीं समझ में आ रहा उसकी। बिग बॉस ने डे वन में बोल दिया था कि मैं इस बार में पार्शल रहूंगा, राइट, और वो हैं, बट ये अनुराग को शायद से बात समझ में नहीं आई, क्योंकि बाहर आने के बाद अगर मेरे लिहाज में कहा जाए, जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद किया, मीन्स अगर बिग बॉस आपको पहले ही बोल दिया कि मैं पार्सल रहूँगा, बाहर आने के बाद अनुराग हर एक मीडिया में यही नज़र बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई ये तो पहले से प्री प्लान है, ये स्क्रिप्टेड होती है, बिग बॉस पार्सल है, आपको क्या लगता है कितना तक सही है अनुराग? नहीं, बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, ओके, बट आई इन द सेम ब्रेथ से कि हमें कुछ गाइडलाइंस देते रहते हैं,
क्योंकि भाई हम लड़ाकू इंसान नहीं है, है ना। आपकी मेरी किसी चीज़ पे बहस हो सकती है, हम दो दिन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, फिर सोचेंगे यार रिमोट कंट्रोल पे हम बहस कर रहे थे, चलो छोड़ो। हाँ, काम की बात क्या है, ये है, यू मूव ऑन, ऑर्गेनिकली मूव ऑन, उसके लिए कोई सॉरी सॉरी की ज़रूरत नहीं होती। पर जब आप बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे आके, जब आप, अंकिता ने ये बात इन द इनिशियल स्टेज मुझे याद है की थी कि टेलीविजन पे आए हो या अपना सोशल मीडिया, यू नो यूट्यूब, ये वो जो भी इनकी एक चर्चा हुई थी नेटिजन्स वर्सेस ये, तो उसके बाद उस चीज़ को बढ़ाया किसने? छोटा सा रेपिड फायर करते हैं जी। घर के अंदर चलाक लोमड़ी कौन है? आपका चेहरा बता रहा है विक्की। घर के अंदर सबसे बड़ा आलसी कामचोर? आलसी एंड कामचोर तो डेफिनेटली अंकिता और अभिषेक भी। घर के अंदर सबसे बड़ा फेक कौन है? कौन? फेक मनारा, सॉरी आई विल करेक्ट माई सेल्फ, बारबी हांडा। ये टेक क्यों दिया आपने? क्योंकि मनारा फेक है ना, बारबी हांडा तो उसका रियल नेम है, कम से कम नाम तो रियल ले। विनर कौन होगा मेरी नजर में? यस, मुनव्वर स्लैश अभिषेक। घर के बाद दोस्ती या दुश्मनी किससे होगी आपकी? मुझे समर्थ और ईशा से कतई नहीं मिलना है विद एवरीथिंग दैट आई एम सीइंग नाउ। इसके पहले मैंने जितने मीडिया इंटरेक्शंस किए तो मैंने बोला नहीं यार ठीक है, हालांकि मैंने समर्थ के साथ यू नो ये भी किया कि चल गॉड ब्लेस यू, एंड ऐसे थोड़ी बदतमीजियाँ कम कर, निकलने से पहले मैंने उसे बोला था, बट मेरे निकलते ही द वे ही इज़ बिहेविंग है, मेरे बेटे की उम्र का है, बट आई डोंट वांट टू मीट हिम। दो वर्ड घर में कहते हैं, मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड तो वैसे अपने आप को विक्की ही समझ के बैठे हैं शुरू से, क्योंकि जैसे वो बोल रहे हैं उनके मुताबिक सब कुछ हो रहा है और मुझे लगता है हो भी रहा है। सबसे बड़ा रोतड़ू कौन है? हर बात पर रोना, गंगा जमुना निकलना आंखों से भी? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ओके मैं एक तुको एक सवाल तू पूछ। ABP News, आपको रखे आगे।